हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा मेहता, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ पीली कौड़ियों के बारे में और काली कौड़ियों के बारे में। कौड़ियों के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली क्या होती हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है पीली कौड़ी। सबसे पहले मैं बात करूंगी पीली कौड़ी के कुछ फायदों के बारे में, किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आपको नजर दोष है आपके घर में, आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, या आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। या आपके घर में धन तो आता है पर स्टेबिलिटी नहीं रहती, मतलब रुकता नहीं है, आता है और खर्च हो जाता है, तो आपको क्या उपाय करने हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो कौड़ियाँ हैं वो ओरिजिनल होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट देंगी, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं देंगी। दूसरी बात, वो एनर्जाइज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मार्केट से खरीदेंगे, अमेजोन से खरीदेंगे, पता नहीं वो असली है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एनर्जाइज हैं या नहीं है, उनको अभिमंत्रित करना पड़ता है, तभी आप उसके अंदर कोई एनर्जी डालते हैं, तभी वो चार्ज होती हैं, उसके बाद ही वो आपको रिजल्ट देती हैं। अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है कि मार्केट में क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देते तो वो चीज़ें हमें रिजल्ट भी नहीं देती हैं। एनर्जाइज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको रिजल्ट देंगी, अदरवाइज वो आपके लिए, आप कह सकते हैं कि ऐसे हम एक पत्थर को घर में ला सकते हैं, बट उसके अंदर जब एनर्जी ही नहीं होगी तो वो हमें रिजल्ट भी नहीं देगा। तो सबसे पहला उपाय, आपको 21 पीली कौड़ियाँ लेनी हैं और आपको उसको एनर्जाइज लेनी है। ठीक है, उसको एक पीले कपड़े में बांध करके अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं। जो लोग धन लक्ष्मी पोटलीज नहीं मंगवा रहे हैं वो ये एटलीस्ट ये तो मंगवाइए, और इसको अपने कैश लॉकर में ज़रूर रखिए, जिससे कि आपके घर में प्रॉस्पैरिटी आप इनवाइट करें। इसको पीले कपड़े में आपको बांध करके अपने कैश लॉकर में रखना है। धनतेरस पे बहुत सारे टाइमिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उस बीच में आप इसको मंगवा के अपने कैश लॉकर में रखिए, और आप कुछ टाइम में देखेंगे अगर आपके लोन्स नहीं उतर रहे हैं या पैसों से परेशानियां आपकी बनी हुई हैं, पैसों से रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उपाय नंबर दो, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसका कम है, तो आपको क्या करना है, एक हरी पोटली बनानी है। हरे रंग की पोटली के अंदर 5 कौड़ियाँ आपको डाल के उसके स्कूल बैग में रख देनी है। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको जॉब रिलेटेड परेशानियाँ आ रही हैं, आप जाकर जॉब के लिए ट्राई करते हैं पर आपका इंटरव्यू है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, आपको 11 पीली कौड़ियाँ लेनी है और आपको 2 काली कौड़ियाँ लेनी है इसके साथ। ये आपको एक रेड कलर की पोटली में ऐड करनी है, डालनी है, और ये आपको अपने साथ कैरी करनी है। मेक श्योर कि अगर ये जो पोटली आप बनवा रहे हैं ये एनर्जाइज हो, ये जितनी भी कौड़ियाँ हैं ये एनर्जाइज हो, तभी आपको रिजल्ट देंगी। अगर आपकी जॉब रिलेटेड परेशानी है, आपको 11 पीली कौड़ी लेनी है, 2 काली कौड़ियाँ आपको इसके अंदर लेनी है, और ये आपको अपने साथ कैरी करनी है जब आप इंटरव्यू देने जाएँ। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे आप लास्ट राउंड में आउट हो जाते हैं या बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपको मना कर दिया जाता है किसी भी रीज़न से, तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको 200% रिजल्ट मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर फेथ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क के साथ रेमेडीज़ करते हैं तो उनको रिजल्ट भी नहीं आता, होगा या नहीं होगा, ऐसा करें या नहीं करें, विश्वास पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ही देखा है कि जिन लोगों ने भी धन लक्ष्मी पोटलीज यूज़ करी हैं उनको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। आप लोगों के ही फीडबैक्स मैं पोस्ट करती हूँ, कितने अमेजिंग फीडबैक्स आप लोगों ने इस बारी भेजे हैं, दिल खुश हो गया सच में। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं। आप लोगों को 11 काली कौड़ियाँ अपने साथ रखनी है, अपने तकिए के नीचे रखनी है, मेक श्योर कि एनर्जाइज हों वो। और वो उसका एक और मेथड है जो मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगी, अगर आप हेल्थ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक और मेथड शेयर करूँगी, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ही, क्योंकि कई लोग पिल्लों के नीचे नहीं रख पाते हैं, या कई लोगों को परेशानी होती है, किसी को बताना नहीं होता, या आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, तो आप ब्लैक कलर की कौड़ी 11
अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपने लैपटॉप बैग में, अपने पर्स में, जिससे कि आप ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से दूर रहें या अचानक से आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटती है। बहुत सारे लोगों का दशा खराब जब चल रही होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से होती ही रहती हैं उनके साथ जब तक दशा का एंड नहीं होता है। तो इस बीच में आप 11 ब्लैक कॉडीज अपने पास रख सकते हैं और इसके हम 3 डिफरेंट मेथड्स मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड्स आपको बता दिए हैं कि आप एक अपने पिलो के नीचे इसको रख सकते हैं, दूसरा अपने साथ कैरी बैग जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ आप रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए कौड़ियों से कैसे आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इन्वाइट कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ इन्वाइट कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे इन्वाइट कर सकते हैं और जॉब्स रिलेटेड अगर आप इशू फेस कर रहे हैं तो कैसे आप उसको बाय बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर एक चीज़ का ज़रूर महत्व समझाने की कोशिश की है कि देखिए आप कोई भी चीज़ यूज़ करें वो एनर्जाइज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ये एनर्जाइज कौड़ियाँ हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू।